मेलघाट विधानसभा का प्रचार जोरों शोरों पर हमें मेलघाट विधानसभा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे राजकुमार पटेल जो प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं उनसे कि उनका इस प्रचार में क्या कहना है और वो अपनी उम्मीदवारी जो पेश कर रहे हैं तो वह कितने प्रतिशत वो वहाँ पे सफल हो रहे हैं। आपका मैं पहले विदर्भ न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ। आप अपने हमारे जो दर्शक है उनको बताइए कि आप जो अपने विधानसभा में प्रचार करने जा रहे हैं तो आपको लोगों का क्या प्रतिसाद मिल रहा है। मेलघाट विधानसभा आदिवासी क्षेत्र के लिए राखी हुए इस मतदार संघ में आज तक जितने भी प्रतिनिधित्व किया है वो जितने भी आमदार बने हैं वो पूरा सत्ताधारी पक्ष से बने हैं। मैंने भी इस क्षेत्र के दो बार प्रतिनिधित्व किया है और मैं विरोधी पक्ष में था। विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष का इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि विरोधी पक्ष में रहने के बाद में कितनी हिलपाटी लेना पड़ता है, कितना आंदोलन करना पड़ता है, कितना मुसीबत उठाना पड़ता है। न्याय के लिए, क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव आंदोलन करके उनको न्याय दिलाने का कोशिश किया हूँ। आज अगर मान लो हम मेलघाट क्षेत्र की बात करें तो देश स्वतंत्र होने से 70 साल होने के बावजूद भी हमारे इस एरिया में मूलभूत सुविधा नहीं है। रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, आरोग्य नहीं है, रोजगार नहीं है। आज हमारे मेलघाट की बात कहें तो हमारे मेलघाट में तमाम 80% मजदूर वर्ग हैं और वो मजदूर वर्ग आज की तारीख में काम ना मिलने से वो बाहर पलायन हो गए हैं। और विशेष करके इस क्षेत्र के लिए हमें धारणी में MIDC का काम शुरू करना है। हमारे यहाँ पे जो शिशु के बेरोजगार है उनको हमें यही काम देकर उनको रोकना है। जो मजदूर वर्ग है वो मजदूर वर्गों के लिए हमको ये सोचना है कि भाई हमारे यहाँ एक लघु उद्योग का जगह जगह खड़ा करके उनको यहीं पे हम रोजगार देना चाहिए। रास्ते की है, पानी की है, बिजली की है। बिजली तो हमारे यहाँ बहुत है लेकिन अब बहुत होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस गांव तक अभी शायद मेरे कहने के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि एक 27 गाँव ऐसा है कि जो जहाँ तक अभी बिजली पहुँचे नहीं है। अब केबल का ज़माना आ गया है, मुझे लगता है कि उसमें टाइगर प्रोजेक्ट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। केबल के माध्यम से हम गांव तक भी बिजली पहुंचा सकते हैं। हमारे यहां पे जो जनप्रतिनिधि आज तक हुआ है शायद क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में इस मेलघाट क्षेत्र की तमाम जनता की अगर मुझे आशीर्वाद मिले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी मूलभूत सुविधा और रोजगार और जो भी काम रुके हुए हैं जैसे गढ़गा डैम के काम अपूर्ण है, MIDC के काम अपूर्ण है, STDEPO के काम अपूर्ण है, और भी जो प्रकल्प है जिनके काम अपूर्ण है, और विशेष करके मेलघाट में हम देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी परेशानी है कि वो जो परेशानी को हल करने की आवश्यकता है। इससे मेलघाट क्षेत्र के तमाम जनता की भी अपेक्षा है कि भाई राजकुमार पटेल तो आमदार बने और हमारी इन सारी समस्याओं को हल करे, ऐसी वो विश्वास मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरी कोशिश है कि मुझे मेलघाट क्षेत्र के तमाम जनता मुझे आशीर्वाद देंगे। हर समाज, हर धर्म और हर जात मेरे साथ में है। एक विश्वास दिलाता हूँ इन सभी जनता को कि आने वाले समय में जितना भी हो सके हमारे जो अधूरा काम हो पूरा करें। में जन शक्ति प्रहार को जो आपने ज्वाइन करा है तो उसका प्रचार करने का आपको समय बहुत कम मिला है। क्या आप मेलघाट क्षेत्र के पूरे पूरे गांव में आपने ये आपका सिंबल राजकुमार प्लस प्रहार जनशक्ति पक्ष ये पहुंचा दिया है क्या? देखिए, मेलघाट क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे बड़ा है अमरावती जिला में। मेलघाट एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जिसके भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे बड़ा है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेलघाट में जो जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं वो हर उम्मीदवार हर गांव तक पहुंचना असंभव है, पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन मेरे पास में कार्यकर्ता है, मेरे पास में मतदाता है और मतदाता ही मेरे कार्यकर्ता है, इसलिए मेरे सिंबल हर गांव तक पहुंचेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे सिंबल कोने कोपरे तक, मेलघाट के हर देहात तक मेरे सिंबल पहुँचेंगे। और अभी फिलहाल व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है और बहुत सारे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे व्हाट्सएप और फेसबुक शुरू हुआ है। यानी आज मैं ये कार्यक्रम अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो आज 2 मिनट के बाद मैं आपको मालूम कि राजकुमार पटेल के घर में क्या कार्यक्रम चालू है, ये सबको पता चल जाता है। तो मुझे यकीन है कि मेरे सिंबल मेलघाट के हर देहात तक पहुँचे। मेलघाट विधानसभा में हमारे रोहित पाल एक सामाजिक कर्ता और इनका एक बड़े पैमाने पर वर्चस्व यहाँ पर मेलघाट में हमें दिखाई देता है। आज वो भी राजकुमार पटेल जी के साथ में कंधे से कंधे लगाकर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनका क्या कहना है। कहना ऐसा है, मेलघाट के अंदर बच्चू कोड़ू और राजकुमार पटेल इनको कोई पहचान की और कोई निशान की ज़रूरत नहीं है। इनके काम बोलते हैं, इनकी आवाज़ बोलती है और हमारा बोलना इतना ही है। हम व्यक्तिमत्व देखकर काम करने के इच्छुक हैं। मेलघाट पहली 20 साल पीछे चल रहा बाकी शहरों से, बाकी गांव से। तो हमारा सोचना यह है कि हमारे को एक ऐसी बुलंद आवाज़ मेलघाट से भेजने के लिए
राजकुमार पटेल जैसा व्यक्तिमत्व शायद ही नहीं मिले, और ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लड़ाई है। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि राजकुमार पटेल की मानसिकता भी होगी चुनाव लड़ने की, तो हमको उनको कमज़ोर न करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनकर लाने के लिए मैं उनके साथ में यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। साल से भारतीय जनता पार्टी से सूरज मालवीय जुड़ा है, ये सूरज मालवीय का भी आखिरी चुनाव है, इसके बाद में राजनीति खत्म। बोल के मैं मेरे सब के प्रहार के पक्ष में ताकत से काम करने के लिए पूरा सैलाब उमड़ चुका है। इसके लिए हम राजकुमार पटेल के साथ में हैं और राजकुमार पटेल का यदि आखिरी अगर चुनाव अगर मेलघाट के अंदर अगर है और जीते तो राजकुमार पटेल जिंदगी भर नहीं हारेंगे, और हर गलती से अगर जनता गलत वोट डालती है और गलती से राजकुमार पटेल को हराती है तो राजकुमार पटेल के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो जनता है उनका भी नुकसान है और उनके साथ में हमारा भी राजकारण खत्म। ये आखिरी चुनाव मेरा भी है।